हेलो जी, सत श्री अकाल जी। मैं अमनदीप कौर, पंजाबी कुकिंग एंड पंजाबी कल्चर भी थोड़ा स्वागत करती हूँ जी। अज बनावांगे जी आप गोभी मंचूरियन। जदों थोड़े बच्चों का कोई बाहर की चीज खाने को दिल करे तो तुम घरे ही उन्होंने चटपटी चीज बना के दे सकते हो गोभी मंचूरियन, क्योंकि गोभी तो हूँ अपने खेतों में भी आने लगी थी, बाजार में भी आने लगी जी। तो गोभी मंचूरियन है जी बहुत ही आसान रेसिपी है, तो बहुत टेस्टी लगते हैं ये। बिल्कुल थोड़े जे टाइम जो अपना गोभी मंचूरियन बन जाएंगे। उस तो पहले फ्रेंड, जो तुम मेरे चैनल के नवे हो तो प्लीज मेरे चैनल को सबसक्राइब जरूर कर लियो। तो जे थोन मेरी वीडियो पसंद आदि तो प्लीज मैं लाइक से कमेंट करके जरूर दस्या करो जी। तो वीडियो एंड तक जरूर देखा करो। बाकी उदम ने जो कदम का रौला पाया हो कहता मम्मा मैं गोभी मंचूरियन बना के दे दो। चलो जी, जी आप गोभी लेके आए थे बाजारों, क्योंकि अपने घर की गोभी हजे नहीं हुई हैगी। सब तो पहला तो मैं थोड़ा गोभी मंचूरियन बनाने वास्ते गोभी दस दिनी हूँ, गोभी अपनी किदा चीरनी है तो की समान लेने थोड़ा वह भी दसागे जी। आज जी पहले आप गोभी चीर लें तो ना थोड़ा दिखाने कि अपनी जी गोभी है वह कि साइज चीरनी है तो किदा चीरनी है। लो जी, उस तो पहले जो अपने गैस से ना पानी पा के रख देना है। इन्हें अपने पानी है ना गर्म हो जूगा। आ देखो जी, मैं ना गोभी ली है। यह देखो अपनी जी गोभी ली ना, ये एक किलो गोभी थी, थोड़ा पता है वो उपर डंडरे वगैरह जो उतर के वैसे अपने को गोभी रहेगी। तो यह जी गोभी है ना अपने इदा चीरनी है, बिल्कुल छोटा साइज रखना है। वैसे इन्ने इन्ने साइज चीरनी है यह। जो थोड़े फुल छोटे हो चीरन की लड़ नहीं है, तो पिछो भी जो इन्हें डंडरे ने छोटे रखने ने, बिल्कुल यह रखने नहीं है। इन्हू ना थोड़ा जो आप पानी च उबाल लागे, ज्यादा उबाला नहीं देना है इन्हों पानी चलो हट जाओ, वीडियो खराब हो रही, कोई फायदा छड़ दे पिछे हो गए। तो इन्हों ना पानी च उबाल लागे, पानी च जो अपने ज्यादा उबाला नहीं देना है। देखो जी, मैं ये छोटे फुल ने इन्हों बस अपने इदा चीर लेना। पानी च अपने ता उबालना, क्योंकि कई बार कोई रेह स्प्रे करी हुई होंगी है ना, ओरी ओ निकल जूगी, तो कोई कीड़ा कटका वगैरह हों भी निकल जूगा। लो जी, आ देखो अपने गोभी जो छोटे छोटे फुल चीर ले, पानी च पा देंगे। पानी हो गया जी अपना, पानी हो गया जी अपना हल्का जा कोसा जा, तो ये गोभी जी पा देंगे। बस अपने थोड़ा जा दो तीन मिनट लिए गोभी ने जो पानी च रखना है, हल्का जा उबाला दे देना है। एक तो जी अपनी गोभी है वह सॉफ्ट हो जूगी, कच्ची नहीं रहूगी, पक जूगी थोड़ी जी। लो जी, ये पा के अपने सिर्फ दो तीन मिनट लिए रख देना है, फिर ये जो पानी कट के ना अपने छलनी च पा लेंगे, ता जो ये पानी है सारा नुचड़ जाए। गोभी देखो अपने पानी च पाई दो तीन मिनट हो गए, तो गैस करते अपने बंद। हूं ना अपने आ जो छलनी च कड लेंगे, छलनी वाले पोइए जी, तुम किसी भी भांडे च भी कट सकते हो। तो इनू ना अपना पानी नुचड़ लिए रख देंगे ये। इधर पानी जरा चंगी तरह निचोड़ देना है अपने। इधर अपने कड़ाही जो सरों का तेल पाके रख दिया गर्म होने लई, ते गोभी अपनी सुक चुकी है, पानी इहदे विच बिल्कुल नहीं रहा। तो हुण ना आपां इहनूं इक प्लेट च पा लांगे, भांडे च पा लांगे। तुसीं कोई भी भांडा ले लियो वड्डा छोटा है ना, जिहदे विच तुहाडी गोभी एन चंगी तरह जिहड़ा भी पाइए च समान पावांगे मिक्स हो जाए। आ देखो मैं तुहानूं दिखांदी हां नेड़े तों। ते हुण ना आपां इहदे विच पावांगे नमक। सब तो पहले अपन नमक पा लेंगे ये, नमक मिर्च जो टेस्ट अकॉर्डिंग पा लियो जी। आप इन्ना क नमक पावे ये, तो यह पावे जी अपना लाल मिर्च। तुम लाल मिर्च की जगह से हरी मिर्च भी पा सकते हो पीस के, या फिर काली मिर्च पा लियो। लो जी, ये अपने लाल मिर्च। तो यह लवेंगे जी आप कश्मीरी लाल मिर्च, ये आप कलर आने लिए पा रहे हैं। काली मिर्च अपने पाई नहीं हैगी, क्योंकि अपने को हैगी नहीं। यह है जी अपने कॉर्नफलोर, कॉर्नफलोर के पावे जी आप तीन चम्मच।
ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਾ ਲਿਓ ਜਿੰਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਭੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਐਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੋਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਲਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ 3 ਚਮਚ ਪਾਏ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਦੀ ਕੋਟਿੰਗ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨਮਕ ਮਿਰਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਐਨ ਰਲ ਜਾਵੇ। ਹਜੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਹੈਗਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗੋਭੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਨਾ ਹਜੇ ਉਹੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਸਕਾਈ ਵੀ ਸੀਗੀ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੈਦਾ ਮੈਦੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ 4 ਚਮਚ ਮੈਦਾ ਨਾ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਾ ਲਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦੇ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਭੀ ਕੋਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਹਜੇ ਮੈਂ 2 ਚਮਚ ਪਾਏ ਨੇ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੋਈ ਮੈਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਪਾ ਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਆਪਾਂ ਬਸ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਰਕੇ ਮੈਦਾ ਪਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਜੀ ਮੈਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਭੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਪਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ 3 ਚਮਚ ਮੈਦੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣ ਦੀ ਹਜੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈਗੀ ਜੇ ਪਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਪਈ ਤਾਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਛਿੜਕ ਲਾਂਗੇ ਬਸ ਨਮਕ ਮਿਰਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕੋਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇ ਐਨ ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਿਓ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆ ਦੇਖੋ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਲਿਆ ਆਪਣੇ 4 ਚਮਚ 4 ਚਮਚ ਆਪਣੇ ਮੈਦੇ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਭੀ ਮੈਂ ਉਬਾਲੀ ਸੀਗੀ ਉਬਾਲ ਕੇ ਸਕਾਲੀ ਸੀਗੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੋਭੀ ਤੇ ਮੈਦੇ ਤੇ ਕੋਰਨਫਲੋਰ ਦੀ ਕੋਟਿੰਗ ਐਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਰਨਫਲੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਆਟਾ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਨਫਲੋਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਲਓ ਜੀ ਇਹਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਟਿੰਗ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਐਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤੇਲ ਹੈ ਸਰੋਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਗੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਫੁੱਲ ਲਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੀਸ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਹ ਗੋਭੀ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਇਹ ਖੰਡਿਆ ਖੰਡਿਆ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀ ਨਾ ਚਿਪਕ ਜਾਵੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਿਪ ਕਰਕੇ ਪਾ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਪਰ ਚਿਪਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇਹ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਲਾਂਗੇ ਆ ਦੇਖੋ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੜਾਹੀ ਚ ਤੇਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਗਰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਬਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੋਭੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੀ ਪਕਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੋਭੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਬਾਲੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਗੋਭੀ ਦੀ ਐਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਅਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮੈਦੇ ਦੀ ਤੇ ਕੋਰਨਫਲੋਰ ਦੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਪਕਾ ਲਾਂਗੇ ਬਸ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਲਓ ਜੀ ਗੋਭੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਇੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਗੋਭੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਕਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਪਕਾ ਪਕਾ ਕੇ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੋਭੀ ਦੇ ਮਚੂਰੀਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਗੇ ਨਾ ਪੱਕਣ ਲਈ ਗੋਭੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ ਹੈਗਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਛੇੜਿਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਰਨਫਲੋਰ ਉਹ ਉੱਤਰ ਜੂਗਾ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੱਕਣ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਰਨੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਝਾਰਨੀ ਨਾਲ ਚਿਪਕ ਜੂਗਾ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਓ ਜੀ ਗੋਭੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀ ਫਰਾਈ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੰਚੀ ਬਣੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਗੋਭੀ ਤੇ ਤੜਕਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਟਮਾਟਰ
चार पांच प्याज कटे ने बरीक बरीक, ते चार टमाटर कटे ने बरीक 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 चॉप कर लिया अपने, ते ए लिए जी अपने हरी मिर्च, हरी मिर्च भी अपने बरीक बरीक कट ली, दो हरी मिर्चा लिया ने, ते ए लवांगे जी जीरा, ए पावांगे सोया सॉस, रेड चिली, तुसी ग्रीन चिली भी पा सकते हो, ग्रीन चिली सॉस पर ग्रीन चिली सॉस जी है नहीं, ते किसान केचप पावांगे, ते ए पावांगे जी पिज्जा सॉस, तुसी इहदी जगह ते सेजवान सॉस भी पा सकते हो। पहले जी अपने कढ़ाई च तेल पा के रख लिया, तेल अपने उही जिहड़े मंचूरियन वाला सीगा उही पा लिया, ते ए लिया जी अपने जीरा, गैस करते अपने फुल जी, हुण आपां इहदे विच पा देंगे प्याज, प्याज नूं जिहड़ा तुसी ज्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का जिहा ब्राउन करना है, बस घट्टो घट्ट दो तीन मिनट लई जिहड़ा प्याज नूं भुनना है। चाइनीज फूड एक बार बना के जरूर ट्राई करना है, फिर मैं दसना है, थोड़े बच्चे भी दोबारे मंग मंग के खाने, क्योंकि आप बार भी तो जाके खाने, अपने बच्चे घर ही साफ सुथरी चीजा बना के दो, आप खाओ। तो यह पा देंगे जी आप बिचे हरी मिर्च, लो जिहड़े प्याज ने अपने हल्के जे गोल्डन ब्राउन हो गए, ते हुण जिहड़े अपने टमाटर बरीक बरीक कट के रखे हुए ने हुण इह पा दांगे, टमाटर नूं वैसे अपने हल्का जिहा सेक लाउणा है दो तीन मिंट का, टमाटर नूं भी सेक लगा लिया, ते देखो टमाटर भी जिहड़े अपने ऐन हो गए, ते अपने जिहड़ा गैस है वह घट कर लिया, हुण आपां इहदे विच पावांगे नमक, क्योंकि आपां ने पहलां भी नमक पाया हुआ है, इस करके आपां नमक घट ही पावांगे, क्योंकि जिहड़ी सॉस हुंदियां ने उहनां च भी नमक हुंदा है, बस थोड़ा जिहा नमक पाया है आपां ने, ते हुण पावांगे जी आपां इहदे विच रैड, ते हुण पावांगे जी आपां इहदे विच रैड चिली सॉस, ਇਹ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਦੋ ਚਮਚ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤਿੱਖਾ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪਾ ਲਿਓ, ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਇਆ ਸੌਸ, ਬਲੈਕ ਡਾਰਕ ਸੋਇਆ ਸੌਸ ਹੈ ਇਹ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੋ ਚਮਚ ਪਾਵਾਂਗੇ, जे थोड़े को गोभी ज्यादा होवे तो तुसी ज्यादा भी पा सकते हो, ते हुण आपां इहनूं हिला लांगे थोड़ा जिहा मिक्स कर लांगे, ते विचे पा दांगे जी आपां इह टमैटो सॉस है जिहड़ी आपणे, टमैटो सॉस दे वी आपां दो चम्मच पावांगे, क्योंकि खट्टा मीठा ज्यादा टेस्टी लगूगा, कोई भी चाइनीज फूड है है ना, वह सॉस तो बिना चंगा नहीं लगता है, जिन्नी उहदे विच सॉस पाऊगी है ना जिन्नी तरह की वह ता ही टेस्टी लगूगा, नहीं तो फिर इदा टेस्टी नहीं लगता है। तो यह हैगी जी अपने को पिज्जा सॉस, यह पा देंगे आप एक चम्मच, लो जी एक चम्मच पाया अपने पिज्जा सॉस का, ते हुण आपां इहनां नूं ऐन चंगी तरह मिक्स कर लेंगे थोड़ा गैस फुल करके सिर्फ एक मिनट लई, ते आपां जिहड़े इह गोभी दे बना के रखे सी गोभी जिन्नी भी फ्राई करके रखी सीगी जे हुण इहनूं उहदे विच पा देंगे, लो जी हुण ना आपां इहनूं इहदे विच ऐन चंगी तरह मिक्स कर लेंगे, जिहड़ा अपने मसाले सारा इहदे उपर गोभी मंचूरियन के उपर चंगी तरह लग जाए, तो खाण नूं भी ऐन चंगी तरह टेस्ट आवे।
लो जी अपने गोभी मंचूरियन ने जेडे बन के तैयार ने। हुण आपां इन्हां नूं गर्म गर्म नूं करांगे सर्व। देखो मैं थोनों बिलकुल नेड़े तों करके दिखानी अपने गोभी मंचूरियन बन के तैयार ने। थोनों प्लेटिंग करके दिखावांगे। आ देखो किन्ने ज्यादा वधिया बने ने ते बहुत ही टेस्टी ने। खाण नूं वी जिन्ने ज्यादा देखण नूं वधिया लग रहे ने ना उन्ने ही खाण नूं टेस्टी ने। लो जी अपने गोभी मंचूरियन बन के तैयार ने। देखो मैं थोनों बिलकुल नेड़े तों दिखानी करके बहुत ज्यादा वधिया बने ने ते बहुत ही टेस्टी ने। जी अपने गोभी मंचूरियन बन के तैयार ने ते हुण आपां गर्म गर्म सर्व करांगे सारयां नूं। बाकी मैं आके दसंगे सारयां ने किदां दे लगे। ठंडे तो वैसे हो ही गए हुण पक्खा चल रहा है। लो जी गोभी मंचूरियन अपने एकदम बहुत ज्यादा टेस्टी बने ने ते तुसी बना के जरूर ट्राई करो ते फिर मैनूं दस्सो थोनूं मेरी अज दी वीडियो किदां दी लगी। चलो जी फ्रेंड्स उम्मीद करते थोड़ी मेरी अज की वीडियो पसंद आई होगी। जे थोड़ी मेरी अज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज मैं लाइक कमेंट करके जरूर दस्यो जी। जे तुम मेरे चैनल के नवे तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लियो जी। वीडियो अगे शेयर जरूर कर दिया करो। चलो जी अपन नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं जी। तद तक लिए बाय बाय।